पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। बेटा अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट हम ये बताएंगे कि एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल अगर हम बात करें जो सर्वाइव करता है सर्वाइव्स, दूसरा कोप अप विद स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट, टेक्स वर्क एंड डन। बट इट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है मैंने बताया भी हुआ, मैं दोबारा से बताऊंगी, बट विच इवॉल्व्स टू प्रोड्यूस जेनेटिक अडेप्टेशन। अगर एक इंडिविजुअल में नया करेक्टर आया तो दैट करेक्टर इट यू नो डिसअपियर्स विद द डिसअपियरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम कह रहे थे कि जो पॉपुलेशन है बेटा वो जो है वो इवॉल्व करती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में एक नया करेक्टर आ गया लेट अस, बट वो ऑर्गेनिज्म अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ, अगर वो बाकी इंडिविजुअल्स में नहीं आया, तो द न्यू करेक्टर इट गेट्स एलिमिनेटेड विद द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर जो नेचुरल सिलेक्शन है कि अच्छे ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स विद बेटर करेक्टर दे सर्वाइव, अदर्स दे गेट स्लोली एलिमिनेटेड, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल में अभी इसके तो बहुत अच्छे करेक्टर थे, अब ये अमर हो गया, इसकी डेथ ही नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल। सेकेंडली इन पॉपुलेशन, हम ये नहीं कहते पॉपुलेशन के इतने इंडिविजुअल्स मर गए इतने जी गए, ऐसा नहीं, वी कंसिडर रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ। एक इंडिविजुअल पैदा होता है और मरता है, पॉपुलेशन में हम रेट ऑफ इस पर्टिकुलर टाइम पे कितने इंडिविजुअल्स ने बर्थ लिया, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ। तो अब हम कहते हैं कि 10 इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ, 2 इंडिविजुअल्स की डेथ हुई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है, राइट। देन सेक्स रेशियो इन द पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्स रेशियो फॉर ए नॉर्मल पॉपुलेशन, एक अच्छी पॉपुलेशन के लिए सेक्स रेशियो जो है तकरीबन 1 होनी चाहिए। यू नो कि पिछले टाइम में, अब तो सेक्स रेशियो हरियाणा की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, बट फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, 20 to 10 years बैक जो था वो हरियाणा में पॉपुलेशन लेवल बहुत कम हो गई थी, तकरीबन 800 कुछ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उससे क्या हुआ कि वहां पर हरियाणा में अब तो बहुत चीजें इंप्रूव हुई है बेटा, नहीं तो बेसिकली मैं हरियाणा की बात ही बता रही हूँ,
कि वहां पे लड़कियां बहुत कम होगी, लड़के बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, लड़कियां जिनके लड़कियां थी उनके पेरेंट्स को यही कॉम्प्लेक्स कह लो, कुछ कह लो, उन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ाया किया, लड़के हमारे लड़के लड़के करके वो लड़के पढ़े नहीं, तो उससे क्या हो गया कि बहुत प्रॉब्लम्स हो गई मैरिजेस में। एक तो लड़कियां कम, दूसरी लड़कियां पढ़ लिख गई, लड़के 10वीं 12वीं पास बस। ठीक है, आई होप मयंक कैन टेल मी बेटर कि इज दिस राइट मयंक, है ना, ऐसा ही हुआ था, है ना। यस मैम। तो उससे क्या हुआ कि लड़कों को लड़कियां ही नहीं मिलती थी। हरियाणा में जो एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है, उनको अपने जीनोटाइप, अपने कास्ट, अपने जो भी एक कम्युनिटी की जो गर्ल्स है वो मिलती नहीं थी शादियों के लिए। फिर क्या हुआ, फिर अनदर प्रैक्टिस कि भी, और लड़कियां अपनी रिली मतलब अपनी कम्युनिटी की मिली भी तो वो पढ़ी लिखी है, वो कहती है हमने नहीं से शादी करनी 10वीं 12वीं पास वालों से, हम इंजीनियर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम ये वो, हमने इनसे नहीं शादी करनी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन लड़कों ने क्या, उनके पेरेंट्स थे, उन लड़कों ने ना वेस्ट बंगाल से, बिहार से, यहाँ से लड़कियां ले आए उनके साथ शादियां। बट व्हाट हैपेंड देन, दिस बिकम्स ए बिजनेस। उनको बंगालीज को या बिहारीज को या वट एवर, जहां से भी, झारखंड से, जहां से ये गर्ल्स को बुला के शादी करते थे। आई थिंक हरियाणा में लोग ठीक होंगे जो शादी करना चाहते थे बेचारे, बिहार से यस बिहार से, है ना। बट उन लोगों ने जो बिहारीज या वो जो भी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बिजनेस बना लिया। वो आती थी शादी करके, देन दे बिकम स्मार्ट इनफ, क्योंकि पता तो चलता नहीं है वहां का। उन्होंने क्या करना कि जी अब हम आ गए हैं, अब इस जमीन के टुकड़े करो, है ना, अब हमें इतना दो, ये करो वो करो, जमीनें ले लेनी कर लेनी, और फिर डाइवोर्स दे के फिर अपने घर के। ठीक है, ये एक बिजनेस, बैड बिजनेस शुरू हो। ठीक है, देन द पीपल, आई थिंक कि उन्होंने फिर इस चीज को समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है एक सेक्स रेशो मेंटेन करना। ठीक है, तो फिर धीरे 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 लड़कियों की जो है वहां पे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बढ़ने शुरू हुई, आई थिंक। और अब यहाँ पे आप ये देखिए कि कितने, एक तो हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्स में सबसे आगे चला गया है ना, हरियाणा, झारखंड, ये स्टेट्स जो है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स जो थी अप्रेस्ड थी, तो पेरेंट्स ने गर्ल्स को पढ़ाना, गेम्स में डालना ये शुरू कर दिया। ठीक है, एक तो हरियाणा स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहा है ना, जितने ओलंपिक्स ये वो, वहां पे कौन मैक्सिमम मेडल्स ले रहा है, यही लोग। नहीं तो एक टाइम में पंजाब बहुत ज्यादा अच्छा था कि यहाँ के लोग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ का जीनोटाइप अच्छा है, ठीक है, यहाँ के प्लेयर्स अच्छे, पर पंजाब ने पता नहीं अपना सत्यानाश क्यों किया हुआ है, कुछ नहीं आ रहा पंजाब से, सिर्फ लोग कनाडा अमेरिका तो जा रहे हैं, बट नो टैलेंट इज कमिंग फ्रॉम पंजाब, ऑल्दो पंजाब इज ए वेरी रिच स्टेट। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, लाइक कांट से कि भी क्या एक्चुअल में रीजंस। ठीक है, तो सेक्स रेशियो जो मैंने निराशन किया है, सॉरी, जो सेक्स रेशियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए यू नो टिपिकल, फॉर ए परफेक्ट सोसाइटी। देन थर्ड इज एज, बेस्ड ऑन द एज पॉपुलेशन हैज इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, जो बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव जो अडल्ट्स हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो यू नो ओल्ड एज में चले गए। जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो मैक्सिमम होंगे, वो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, जिसमें बच्चे ज्यादा है वो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है देन पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जितने आज की डेट में रिप्रोडक्टिव है, अगले 20 साल में भी उतनी ही रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगी, तो पॉपुलेशन स्टेबल है, ज्यादा नहीं। बट जिसमें ये दोनों कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत है, जैसा कि आजकल यूरोप जा रहा है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो बच्चे नहीं ज्यादा देखने को मिलते, है ना, चाइना में भी ऐसे ही है, दैट्स व्हाई
चाइना हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी, वन चाइल्ड पर कपल उसने पॉलिसी खोल दी है कि दो बच्चे करो तीन बच्चे करो दी अब ज्यादा से ज्यादा, बट इतने सालों में लोगों की वो मेंटल स्टेट बदल गया है. दे थिंक कि ओनली वन चाइल्ड इज गुड और इवन दे थिंक नो चाइल्ड, वी डोंट रिक्वायर एनी चाइल्ड. That's why in China also, but typically in Europe, you will see many old people, but you don't see little one. बहुत छोटे बच्चे जो हैं, बहुत थोड़े से हैं. That's why their population is declining at a fast rate. ठीक है? उनके development बहुत ज़्यादा है, but उस development को maintain करने के लिए young लोग चाहिए. अभी तो फिर भी है young लोग, but अगर उनके बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे बहुत कम हैं, तो और 10 सालों में उन्हें लेबर नहीं मिलेगी, उन्हें काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे. ठीक है? सो दिस द नंबर ऑफ दीज थ्री एज ग्रुप्स, इट इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, वेदर दिस पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, वेदर दिस पॉपुलेशन इज स्टेबल, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रीजन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, नेक्स्ट 10 years, 20 years, क्या फ्यूचर होगा, क्या इसमें क्या प्रॉपर्टीज होगी. और डेवलपमेंट है, मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, तो वो तो घोस्ट टाउन्स बन जाए, राइट? तो ये डिपेंड है. अब आ जाते हैं कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of a specific species. In a specific region. इसको हम कहते हैं population and the individuals of the population has the ability to interbreed with each other. Interbreed matlab sexual reproduction, interbreed with each other nature. For example, particular bacteria in a bacterial colony, hum keh sakte hain colony in a petri dish jisme humne bacteria ko culture kiya hai, it forms a population. Teak wood trees in tropical forests, bahut sare trees hai wahan pe, but specifically tropical forests mein jo teak wood trees hai unki jo hai ek alag population. Another is rats in the abundant area. Snakes in a field of wheat. Another is cormorants. Cormorants kya hai? Cormorants are the type of birds. In a wetland. Wetland hota hai jahan pe thoda sa pani bhara hua hai. Matlab wo na river hai, na pond hai, kuch nahi hai. But wetland wahan pe bahut sare paudhe se hai. और वहां पे पानी परमानेंटली सब भरा हुआ है. ठीक है? तो वहां पे छोटी छोटी सी फिशेस भी है और भी कई
फौना है, छोटे 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 छोटे, तो वहां पे जो बर्ड्स है, स्पेसिफिक बर्ड्स है, उनको कहते हैं कॉर्मोरेंट्स. अनदर इज आइशोर्निया प्लांट्स. In a pond. Earthworms. In a, you know, soil of an area. ये सब क्या है? These are all, हम कह सकते हैं, examples of पॉपुलेशन, राइट? पहले ये लिख लो, फिर हम आगे. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हम स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं. दैट इज population growth. It depends on mortality and natality rates. मॉर्टेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड पर 1000 इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, एक दिन, एक साल, एक महीना, ठीक है जी. देयर एज मॉर्टेलिटी, it is number of individuals, you can say, born per 1000 individual population per unit. This is called as, you know, population growth. Population growth हम और इस पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ individuals moving in a population. Emigration, number of individuals moving out of a population, that is emigration. Therefore, final population या population growth n ओरिजिनल पॉपुलेशन बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स माइनस डेथ प्लस एमिग्रेंट्स, वेयर एन इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन.
फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है कि एक पॉन्ड है, इट हैज ट्वेंटी लोटस प्लांट्स, ठीक है, एंड न्यू प्लांट्स एडेड दीज आर फोर. करंट पॉपुलेशन, न्यू प्लांट्स एडेड इन्होंने लिखा है एट न्यू प्लांट्स है. करंट पॉपुलेशन इज 28. देयरफॉर बर्थ रेट कितना है, 8 नए है 28 ओवर, आई एम सॉरी नॉट 28 ओरिजिनल पॉपुलेशन है, 8 ओवर 20. बर्थ रेट इज कितने नए ऐड हुए, कितने ओरिजिनल की, दोनों की रेशियो इज इक्वल टू 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर प्लांट. ये बर्थ रेट है कि हर प्लांट जो है वो पर ईयर एक साल बाद, ठीक है, न्यू प्लांट्स एडेड आफ्टर वन ईयर. तो हर इंडिविजुअल की बीज पे उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कितना हो गया, दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर प्लांट, ठीक है. इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है, सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दी है ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाइज, ठीक है. उन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन इन लैब इट इज 40, नंबर ऑफ फ्लाइज डाइड पर यूनिट टाइम, कोई भी टाइम उन्होंने लिया 10 दिन 15 दिन, ठीक है, पर यूनिट टाइम सेज अ वीक, इट इज 4 फ्लाइज जो हो वो मर गए. सो डेथ रेट, अभी हम बात करेंगे, इट इज 4/40 0.1 पर इंडिविजुअल, पर बी, ठीक है, दिस इज द डेथ रेट, ठीक है जी. तो इस तरह से हम पॉपुलेशन का जो है बर्थ रेट और डेथ रेट निकाल, ठीक है, करो पहले. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अनदर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, इट इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज 6 रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन. फॉर परफेक्ट पॉपुलेशन it should be 1. Kerala has maintained this ratio.
जो मैं पुरानी बात बता रही हूँ अब की नहीं है. हरियाणा has lowest ratio. हरियाणा में फीमेल्स तकरीबन 900 है, मेल्स 1000 है. तो रेशियो इज 0.9 और बिलो पहले अब के मिले रेंज, राइट. तो दिस इज सेक्स रेशियो. अनदर इज थर्ड एट्रीब्यूट है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. तो हम अगर बात करते हैं कि ये जो है ये बच्चे है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन. उसके बाद ये है रिप्रोडक्टिव, डिफरेंट एज ग्रुप है ना. एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव. आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है. सो दिस इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव. तकरीबन रिप्रोडक्टिव भी सेम ही है. देन अनदर इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव. प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, देन इट इज स्टेबल पॉपुलेशन. जितनी अब है उतनी 10 साल 20 साल बाद ही रहेगी. और तीसरी कंडीशन आ जाती है ये है प्री रिप्रोडक्टिव. This is reproductive. Post reproductive, जैसे कि European है. This is declining population. This is declining population. These are, you know, इनको हम क्या कहते हैं? These are population pyramids.
जिस पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज्यादा होंगे वहां पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी, जिसमें बच्चे और यंग लोग जो है वो सिमिलर होंगे, वो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, बट जिसमें बच्चे बहुत कम होंगे वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग रहेगी, राइट? करोगे तो हमने कहा है कि ये जो है दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड्स, यहाँ पे लिख लो कि हमें पॉपुलेशन पिरामिड से द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितना बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसमें प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, ये द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन टेल अस अ लॉट, कैन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, सच एज If the population is well adapted to that habitat, or it is the outcome of competition with another species, or it is the outcome of competition with other species, comma, the impact of a predator, कोई एक predator आ गया जिसने खत्म कर दिया, effect of the predator on the population, comma, effect of a pesticide application, effect of the pesticide application, comma, amount of nutrients available, amount of nutrients available, and the type of climate, and the toxins present in the habitat. इसलिए size of the population या population pyramid से हमें इन चीजों का पता चलता है. Is it okay? ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन. ओके बच्चे? ओके ओके बेटा. और आपने मुझे अभी क्या बताना है? कल की टाइमिंग्स.